इंदौर में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह ने कहा कि भाजपा नेता सुदर्शन गुप्ता ने अवैध कॉलोनी का ब्रांड एम्बेसडर मुख्यमंत्री को बना दिया। 1,31,00,000 में ग्रीन वेल्ट कुल जमीन का सौदा कर अवैध कॉलोनी बनाई गई। स्थानीय रहवासियों ने प्रशासन से ग्रीन वेल्ट की जमीन पर अवैध कॉलोनी की लिखित शिकायत भी की है। अवैध कॉलोनी के निर्माण से भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा स्पष्ट हो जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ड्रग माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर कल इंदौर के दौरे पर जब वो इंदौर आए तो एक महिला क्या खाना खाने गए, वहां उनकी आत्मा तृप्त हो गई खाना खाने के बाद। लेकिन उसके पीछे लगभग 125 करोड़ का खेल अवैध कॉलोनी का किया गया। जो नेताजी उनको वहां लेके गए थे, भारतीय जनता पार्टी के सुदर्शन गुप्ता जी, उनने पूर्व नियोजित तरीके से वहाँ ग्रीन बेल्ट की जो जमीन है उसको एक अवैध कॉलोनाइजर को दिलवाई। वहाँ पे कॉलोनी का ट्री, ग्रीन बेल्ट की जमीन बेचना अपराध है। वो महिला भी उस भूस्वामी में दर्ज है कि वो ग्रीन बेल्ट की मालिक है, उसके परिवार के अन्य सदस्य उसके मालिक है।